गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव के डेट की घोषणा नहीं की। हालांकि आपको ये बात सामान्य लग रही होगी, लेकिन उतनी सामान्य बात है नहीं। हिमाचल के साथ साथ गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी 16 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। वैसे पिछले चुनाव की बात करें या फिर अब तक का इतिहास बतलाता है कि हिमाचल और गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान एक ही दिन होता आया है। ये बात इसलिए क्योंकि पहले से चर्चा थी कि हिमाचल और गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को किया जाएगा, लेकिन जब आयोग की तरफ से ऐलान किया गया तो सिर्फ हिमाचल चुनाव के बारे में ऐलान हुआ। विपक्ष तर्क के साथ मोदी के जरिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि गुजरात चुनाव के रेट का ऐलान नहीं होने का पीएम मोदी के दौरे से कोई मतलब नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ता हो सकता है। साथ में आयोग ने साफ कर दिया है कि गुजरात में वोटों की गिनती 18 दिसंबर को ही होगी। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया तो वोटों की गिनती कब होगी, ये पहले बताने की जरूरत क्यों है और ये किस आधार पर ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष भी इसी तर्क के साथ सवाल पूछ रहा है कि मोदी 16 तारीख को गुजरात जाएंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, इसलिए गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को चुनाव होंगे और 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। गुजरात चुनाव को लेकर भी वोटों की गिनती 18 दिसंबर को ही होगी, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन।